बंदा जब अल्लाह की पकड़ में आता है तो उसका हाल डॉक्टर जैसा होता है। अम्मा देख लो, सारे गांव में जलील हो गया। मैं क्यों देखूं? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि वो बंदा अच्छा है, ऐसा काम कर नहीं सकता। ओए अम्मा, तू तो ऐसे उसकी गारंटियां दे रही है जैसे उसके साथ एक ही स्कूल में पढ़ी हुई है। वैसे अम्मा, ना तो तूने हमारी कभी गारंटियां दी हैं और ना ही तारीफ की है। मिराजुद्दीन और मीनू के अलावा कौन लायक है जिसकी मैं तारीफ करूं? सारा दिन मजदूरी ढूंढने के बजाय दूसरों में बुराइयां ढूंढते हो। हम नहीं ढूंढते, बुराई खुद ब खुद सामने आ जाती है। जैसे डॉक्टर की आ गई, पूरी दुनिया कह रही है कि वो एक खराब आदमी है। अब मीनू उसके पास पढ़ने गई तो इस घर से लाशें उड़ जाएंगी। ज्यादा धमकी देने की जरूरत नहीं है, मीनू कोई पागल नहीं है कि ये सब देखने के बाद भी उससे सबक लेने जाएगी। मैं तो कहता हूँ जब तक वो डॉक्टर इस गांव में है, मीनू कॉलेज ही ना जाए। क्यों ना जाऊं? बड़े भाई से जबान ना चला मीनू, कल को उसने तुझे भी छेड़ दिया तो क्या होगा? बस जब तक मलक नादर उसे गांव से नहीं निकाल दे तो कॉलेज नहीं जाएगी। अगर गई तो जहां खड़ी है ना वहां ही ना गाड़ दिया तो मेरा नाम भी गामा नहीं है। क्योंकि बच्ची अस्सलाम वालेकुम सरकारी डिस्पेंसरी के सर कला नौफिल से बात हो सकती है? अफजल खान डॉक्टर साहब तो चले गए, जरूरी काम है तो बताएं, मैं उन्हें बुला लाता हूँ, 10 मिनट में फोन कर ले। नहीं नहीं कोई काम नहीं है, सुबह बात कर लूंगी मैं उससे। नहीं कोई पैगाम है तो दे दे जरूरी, तो मैं जाके दे आता हूँ। अरे नहीं नहीं कोई इमरजेंसी नहीं है, बस ऐसे ही खैरियत मालूम करने के लिए कॉल कर ली थी। अच्छा बाब, नसरीन से बात करा देती है, मैं भी उसकी खैरियत पूछ लूँ। मेरे ख्याल से सो चुकी होंगी अब तक। नहीं सोई नहीं होंगी, नई जगह पे नींद नहीं आती उसे। अच्छा देखती हूँ, अगर जाग रही तो बात करवाती हूँ तुम्हारी। हाँ आप जाए, मैं आराम से, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। हेलो, हाँ मैं हूँ, सो तो नहीं रही थी? नई जगह पे नींद कहाँ आती है मुझे, जाग रही हूँ। कैसी हो सब, ठीक है ना? वापसी कब है? वापस आके क्या करूंगी, मेरा तो कोई आगे पीछे है ही नहीं। तो मैं मर क्या हूँ क्या? वापस आओ शाबाश, काम तो हो गया है ना वहाँ? नहीं अफसल, अपनी वजह से तुझे मुश्किल में नहीं डालूंगी मैं। फातिमा बीबी ने कहा है मुझे कहीं किसी बंगले में काम दिलवा देगी, नौकरों के क्वार्टर में जगह भी मिल जाएगी। हमारा घर अब यहाँ पे है तो वहाँ क्वार्टर में रहने की क्या जरूरत है नसरीन? अब वो मेरा नहीं है, अशरफ का घर है। अशरफ के नहीं, अपने घर की बात कर रहा हूँ। उसे अपना ही घर समझ नसरीन, वतन ना छोड़ी नसरीन, परदेश और मुसाफिरी की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। अरशद बाबू ने ठीक कहा था, शाला कोई मुसाफिर न थी, ने खक जी न थी, भारी हो। समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? मुझे मुझ पे तो अब अपने देश के कख भी भारी हो गए अफसर, बल्कि मैं तो खुद कख जैसी हौली हो गई। ऐसी बातें मत कर नसरी, मत कर ऐसी बात, अल्लाह रसूल का वास्ता है तुझे। मैं हूं ना, फिर अपना घर है यहां, मैं डिस्पेंसरी में सो लिया करूंगा ना, बल्कि चाचे रांझे का घर किराए के लिए खाली है, वहां रहने दो, मैं उससे बात करूंगा। अपना वतन ना छोड़े नसरीन, वापस आ जा। जब तक रानी के केस का फैसला नहीं होता मुझे यहीं रहना पड़ेगा, लेकिन अगर तुझे मौका मिले तो मिलने आ जाना कभी। नहीं आ सकता नसरीन,
डॉक्टर साहब की जान पे बनी हुई है, छोड़ के नहीं आ सकता। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर को? डॉक्टर साहब,